सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि मेरे को रिसीव हुआ था एक मिस्ट्री बॉक्स, जो कि ये था। मैंने परचेस किया है अपनी गाड़ी के लिए स्टार क्यू कंपनी का ST25 मॉडल कार वॉशर। और बेसिकली मैंने क्यों परचेस किया है, इसका यूज़ क्या है मेरे लिए, मैं सब आपको लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको इसका करके दिखाऊँगा टेस्ट कि ये कैसा है। आप भी अगर आप कोई कार वॉशर ढूंढ रहे हो तो आप ये ले सकते हो या नहीं ले सकते। सो गाइस, फाइनली मैंने निकाल लिया है अपने बॉक्स में से सारा सामान। मैं आपको दिखाता हूँ करके पूरा सामान। तो इस किट में आपको मिल जाती है, देखो, पहले तो एक माइक्रोफाइबर ये वॉश साफ करने वाला है, ये मिल जाता है आपको। इसका बताऊंगा इसका यूज़ क्या है। ये है जिसको हम अगर बाल्टी में हमारे पानी है उसके थ्रू हम करना चाहते हैं तो ये उसके लिए पाइप होता है। आप इसको नल से भी अटैच कर सकते हो। ये है हमारा गन में अटैच करने वाला पाइप, जो काफ़ी लंबा होता है, 8 मीटर से भी 10 मीटर का होता है। ये है कुछ कनेक्टर्स जिसमें आप कनेक्ट करके अपनी मशीन के साथ कर सकते हो। और ये है सोप डिस्पेंसर, इसमें आप सोप डाल के अपनी गाड़ी और बाइक वॉश करके ऐसे सोप पूरा कर सकते हो। सो ये है इस किट की मेन चीज़, जो है इसकी मोटर। ये बहुत पावरफुल मोटर है, आप इसको देख सकते हो। इसमें लिखा है कि पावर 2100 वॉट, फ्लो रेट 8 LPA और प्रेशर इसका 100 to 180 bar है। वोल्टेज इसकी 220 से 240 वोल्टेज है। और ये काफ़ी ना मतलब प्रीमियम फील होता है इसको पकड़ने में। देखो यहाँ पे सारा इसका सब कुछ सही है और इसमें मिल जाती है हमको इतनी लंबी तार, तो काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको जल्दी से इसको असेंबल करता हूँ, इसको सारे फिट करते हैं, सारे प्लग्स लगाते हैं और इसको ट्राई करेंगे अपनी बाइक पे। पहले मैं आपको दिखाऊंगा मेरी बाइक कितनी गंदी है, उसके बाद करेंगे उसको वॉश, लेकिन पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ। तो अभी कर लिया मैंने इसको प्रॉपरली फिट। देखो, जो ये तार थी वो एक यहाँ पर फिट हो गई है, इसको मैंने टाइट से यहाँ फिट कर दिया। एक साइड होता है इसका गन में फिट, गन को मैंने फिट कर दिया। गन की क्वालिटी भी देखो काफ़ी अच्छी है, करके आप आराम चला सकते हो। और जो येलो वाली तार थी इसको मैंने कर दिया है यहाँ पे कनेक्ट। दो कनेक्टर थे, एक ये था और एक और था, वो यूज़ में नहीं आया है और मैंने येलो वाली तार कर दी इससे कनेक्ट। और मैं स्पेशली पानी में बाल्टी में डाल के धोऊंगा तो मैंने लगाया ये वाला फ़िल्टर जो इसके साथ आता है। अगर आप नल से कनेक्ट कर रहे हो तो नल पर आप इसके से लगा सकते हो और येलो वाली तार को इसके नीचे लगा सकते हो। तो ये भी अभी इसका कुछ काम नहीं है, तो इसको भी करते हैं इसके अंदर। ये है, अब मैं इसको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये क्या है कि बाई चांस जैसे आप गाड़ी वाड़ी धोते हैं तो आपको ऐसे अंदर की तरफ मारना पड़ता है चीज़ें, तो आप इसको अपने गन के आगे से फिट कर सकते हो। ये बहुत इजीली फिट हो जाता है, तो आपका मतलब गन का साइज़ थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप आराम से कहीं पे भी ऐसे इनर साइड कर करके आप वॉश कर सकते हो। बट मैं अभी के लिए प्रेफर करूँगा कि मैं डायरेक्ट गन से ही वॉश करूँ। तो इसको भी हम डालते हैं अंदर, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पहले बाइक में ना प्रॉपर पानी मारते हैं, उसके बाद सोप डिस्पेंसर मारेंगे। तो अभी भी इसको अंदर रखते हैं वरना सब कुछ फैल जाएगा। और फटाफट मैं अपनी बाइक को खड़ी करता हूँ जगह पे और आपको दिखाता हूँ बाइक कितनी गंदी है। तो गाइस, अब मैं दिखाता हूँ आपके अपने बाइक के हाल। देखो फ्रंट से मेरे बाइक के हाल कैसे हो रहे हैं, कितनी गंदी हो रही है। पास जाके दिखाता हूँ, पूरी मिट्टी ही मिट्टी हो रही है। साइड व्यू भी दिखा देता हूँ, देखो पूरा मिट्टी मिट्टी और ऊपर भी पूरी मिट्टी है यार, बहुत ही गंदी हो रही है बाइक आज तो। ऊपर ये भी गंदा हो रहा है और ये भी गंदा हो रखा है, आप प्रॉपर हर एंगल से देख सकते हो। देखो नीचे ही पूरी मिट्टी जमी है। तो बस आपने देख लिया बाइक कितनी गंदी है। वैसे मेरी बाइक ना इतनी गंदी होती नहीं है, मैंने स्पेशल वीडियो बनाने के लिए 2 हफ्ते से इसको बिना कवर के खड़ी करके रखी हुई है ताकि मैं आपको स्पेशली दिखा पाऊँगी कितनी गंदी बाइक आप आराम से साफ़ कर सकते हैं। तो चलो बस मैंने सबको सेटअप कर लिया है, मैं लाता हूँ पानी की बाल्टियाँ। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है इस फिल्टर को पानी की बाल्टी के अंदर और हमारे पास आ गई है गन। अब मैं आराम से अपनी बाइक को धो सकता हूँ। तो चलो इस पर फटाफट से पानी मारते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको इसका प्रेशर कैसा है। तो गाइस देखो, सब कुछ कनेक्ट है। पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा, पानी इसमें प्रॉपरली आ रहा है। अब फाइनली हमने इस पर कर लिया है अपना लोड और करते हैं इसको ट्राई। देखो प्रॉपर इसका प्रेशर आ रहा है। ऐसे करके आप इसके मोड एडजस्ट कर सकते हो, बस ऐसे बहुत सही है, इसके मोड एडजस्ट कर सकते हो। और इसका प्रेशर चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर रखी है एक ईंट, इधर दिखाओ, मैंने एक रखी है ईंट। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इस प्रेशर से हम ईंट को तोड़ सकते हैं। तो देखो दिखाते हैं, बस मेरे 8 महीने आई। ओह भाई, बहुत ही तेज़ प्रेशर है, ऑलमोस्ट ईंट में देखो वहाँ छेद हो गया है। और ये ईंट बहुत ज़्यादा पक्की है तो मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब करते हैं मेन बाइक को वॉश। तो चलो गाइस, अब मैं करता हूँ शुरू इस बाइक की वॉशिंग। चारों ओर से इसके पानी मार लेंगे पहले ताकि जो भी इसमें मिट्टी है वो हट जाए। तो चलो अब मारते हैं मीटर पे। थोड़ा सा मैंने इसका प्रेशर कम कर लिया है, देखो थोड़ा फैला दिया मैंने इसको ताकि कुछ इशू ना हो। देखो सबसे मेन बात इसकी ना फ़ायदा क्या है, जैसे आप कभी हाथ से पानी मारते हो तो आप ऐसी जगहों पे पानी नहीं मार सकते, लेकिन आपके पास गन है तो आप बहुत आराम से इस पर पानी मार सकते हो ऐसे। ये देखो यहाँ मारेंगे पानी।
तो गाइज आप देख रहे हो, मैंने जैसे अभी इसमें सिर्फ पानी मारा है और पानी मार के मेरी बाइक इतनी चमक गई है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें सोप मारने की जरूरत है। बट स्टिल पानी मारने के बाद ना काफ़ी मिट्टी ऐसी होती है जो चिपकी हुई होती है और पता नहीं चलता। देखो अभी से क्लीन लग रही है काफ़ी ज़्यादा बाइक। अब हम इसमें करते हैं, पानी हो चुका है, अब इसमें मारते हैं सोप डिस्पेंसर। मैं सोप डिस्पेंसर फिट करता हूँ, उसके बाद दोबारा करता हूँ कैमरा ऑन। तो गाइस देखो मैंने लगा दिया इसमें सोप डिस्पेंसर। वैसे तो इसके ना कार जो शैम्पू होते हैं वो स्पेशली कार शैम्पू आते हैं, पर मेरा जो अभी इसका यूज़ है ज़्यादा यूज़ नहीं है, मंथ में एक से दो बार है क्योंकि मेरी बाइक ज़्यादा गंदी होती नहीं है। तो मैं अभी इसमें सिंपल नॉर्मल वाले शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ 5 शैम्पू डाले हैं 1 रुपये वाले और ज़्यादा कोई डाला। अभी इसमें ज़्यादा वो नहीं आएगा सोप, मुझे पता है, क्योंकि ये अच्छा वाला सोप नहीं है। आप इसके लिए एक सोप परचेस कर सकते हो, मैं रेकमेंड कर दूंगा, बट अभी के लिए टेस्टिंग के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं क्योंकि जो भी है ठीक है। तो बस मैं आपको मार के दिखाता हूँ कैसा सोप आता है। तो चलो तो गाइज़ आप देख सकते हो मैंने अभी कोई भी इसमें सोप मतलब गाड़ी वाला यूज़ नहीं किया है और ये सिर्फ एक नॉर्मल सोप डिस्पेंसर है, ये पेड वाला नहीं है। फिर भी इसमें कितना ज़्यादा झाग ठीक आ रहा है, मतलब एक नॉर्मल यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब फटाफट मैं मारता हूँ मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ और फिर मारेंगे पानी। सो गाइज़ फाइनली मैंने मार लिया पूरे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इस पर पूरी बाइक पर। अब फाइनल इस पर वो करते हैं वॉश लेवल 3rd वाला, बस लास्ट पानी मारेंगे उसके बाद कर देंगे थोड़ा साफ़ और फिर दिखाऊंगा गाड़ी कैसी शार्प चमक रही है। कुछ भी कहो यार, इसका प्रेशर जो है ना वही बहुत अमेजिंग है। मतलब इस प्राइस पॉइंट में अगर आपको ये प्रेशर मिल रहा है तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। सो गाइज फाइनली अब ये प्रॉपर क्लीनिंग, अब मारते हैं थोड़ा सा कपड़ा गाड़ी है। मम्मी ने देखो मेरी टी शर्ट फाड़ के कपड़ा बना रखा है तो इसको ही मार लेते हैं। थोड़ा फटाफट से इसको रब करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ फाइनल रिजल्ट्स। तो आप साफ करते हुए क्या देखोगे, तो मैं फटाफट से इसको करके उसके बाद करता हूँ वीडियो ऑन। तो गाइज फाइनली हो चुकी है पूरी बाइक की क्लीनिंग, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बाइक पहले कैसी थी और अब आप देख सकते हो बाइक पूरी ऊपर से लेकिन नीचे तक चमक रही है और आराम से देखो एक एक चीज़ साइन मार रही है। कितनी मिट्टी थी, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी, आप पहले से कंपेयर कर सकते हो, प्रॉपर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी थी। अब पूरी बाइक हो चुकी है साफ और देखो पूरा डैशबोर्ड कितना शाइन कर रहा है। मैंने ज़्यादा शैम्पू भी यूज़ नहीं करा बट स्टिल रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया था। मतलब बेसिक यूज़ के लिए तो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट था, अगर आप कमर्शियल यूज़ करना चाहते हो तो आप उससे और बेटर ले सकते हो। बाकी आप देखो यहाँ पे ही बहुत मिट्टी थी, सारी मिट्टी हमने A to Z निकाल दी है। अगर हम हाथ से साफ़ कर रहे होते तो चलो बाइक में आप कर सकते हो, लेकिन गाड़ी में आप इतना घुस के नहीं कर सकते। तो गाड़ी का आप इमेजिन कर सकते हो गाड़ी में कितना अच्छा लगता। और ये है इसका लेफ़्ट प्रोफाइल, देखो सारा पूरा क्लीन हो चुका है। ओए होए मज़ा आ गया भाई। मतलब अगर आपके पास कोई व्हीकल है या फिर बाइक है तो आप ऐसी क्लीनिंग ही चाहोगे ताकि आपकी गाड़ी हमेशा चमकती रहे। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसने काम किया है इसने मोटर ने और बहुत ही बढ़िया प्रेशर है। तो अब बस पूरी बाइक क्लीन हो चुकी है। अब करते हैं इसके बारे में थोड़ी बातें, मोटर के बारे में और पूरे किट के बारे में, किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए और इसका क्या प्राइस है। आपने प्रॉपरली देख लिया इस वॉशर ने कैसी करी क्लीन अप और कैसा था इसका रिजल्ट, मुझे तो बहुत अमेजिंग लगा। इसकी मैं प्राइस की बात करता हूँ, इसका प्राइस है केवल 3700 रुपीज़ का, कभी कभी फ्लक्चुएट होता है। ये मैंने लिया था फ्लिपकार्ट से जो कि बहुत इजीली मुझे मिल गया था। मैं आपको दे दूंगा इसका लिंक, आप ले सकते हो वहाँ से जाके आराम से। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे अगली बार गाड़ी वॉश करूँ तो करना कमेंट, मैं गाड़ी वॉश करके दिखाऊंगा गाड़ी में इसका रिजल्ट कैसा आता है। और साथ साथ आप बात करते हैं किसको ये लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा व्हीकल है और आप जाते हो मतलब रोज़ आप जाते हो अपने ऑफिस या कहीं पर, गाड़ी आपकी जाती है बहुत ज़्यादा गंदी, तो आप इसको ले सकते हो, आपका बहुत ज़्यादा टाइम ये सेव करेगा आराम से। क्योंकि मेरा भी मेनली ये होता है कि मुझे जाना होता है तो मैं बार बार साफ़ नहीं कर सकता, और काफ़ी लोगों के ना घर के बाहर बहुत मिट्टी उड़ती है तो वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक गाड़ी या फिर एक बाइक है उसमें भी आप महीने में एक बार निकलते हो तो इसकी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बार तो अपने हाथ से साफ़ कर ही सकते हो या फिर महीने में एक बार बाहर से करवा सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा व्हीकल है और आपको रैपिडली बाहर जाना होता है और आपको बार बार 500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं बाइक और गाड़ी में वॉश करने पर, तो आप इसको ले सकते हो, बहुत आपके पैसे बचा देगा। सो गाइज इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट करना लाइक बटन और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और साथ साथ कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने पूरा सबको सेटअप करके आपको दिखाया है। तो गाइस इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। टेक केयर एंड बाय बाय, जय श्री राम। सो गाइस देखो अभी मैं जब वीडियो शूट कर रहा था ना तो ये कौवा बैठा था ऊपर और मैं कर रहा था इस घर से। अब देखो इसका प्रेशर दिखाता हूँ मैं आपको कितना ऊपर तक जा रहा हूँ, उड़ने को राजी नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है।
तो चलो बस इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।